हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं फ्रूट कस्टर्ड, जो कि बहुत ही स्क्रम्पशस है और बहुत ही ईजी है। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कस्टर्ड प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 स्पून फुल कस्टर्ड पाउडर लिया है एक बोल में, और उसमें अकॉर्डिंगली हम लोग थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड करके उसकी एक राइट कंसिस्टेंसी बना लेंगे। हमें ये कस्टर्ड और मिल्क का मिक्सचर बहुत ही अच्छे से स्टर करना है, जैसे कि कोई भी लम्ब इसमें ना रह जाए। अब मैंने करीब 600 ml मिल्क ले लिया है और मैंने फ्लेम भी ऑन कर दी है और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। फिर मैंने इसमें 3 स्पून भर के शुगर डाल दिया है और फिर मैं उसके बाद मैं इसको स्टर करूंगी और इसको बॉईल होने तक का वेट करूंगी। देखिए, अब मिल्क में बॉईल आने लग गया है, तो हम इसको धीरे धीरे इसमें जो है कस्टर्ड ऐड करेंगे और उसके कंटिन्यूसली उसके बाद स्टर करते रहेंगे, जैसे कि कोई भी लम्प्स ना पड़े। स्टर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कस्टर्ड जो है बहुत ही ईजिली जमने लग जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो जमे ना, जले ना, और आप उसको अच्छे से बना सकें, तो इसलिए कंटिन्यूसली उसको स्टर करिए। स्टर हमें तब तक करना है जब तक हमें राइट कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। तो अब मेरे हिसाब से ये सही है एकदम, तो इस स्टेज पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसमें वैनिला एसेंस ऐड कर दूंगी। वैनिला एसेंस मेरा कॉन्सेंट्रेटेड वाला है, इसके करीब मैंने 2 से 3 बूंदे ऐड करी हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी जेली बना लेंगे। जेली के लिए मैंने पैकेट वाली जेली ली है, उसको डाला है और उसमें हॉट वाटर डाला है और उसको अच्छे से मिक्स करके सेट करने के लिए ट्रे में लगा दिया है, और थोड़ी ही देर में ये सेट हो जाएगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। अब करीब आधे से पौन घंटे बाद हम इसे फ्रिज से निकाल लेंगे और इसको काट लेंगे। काटने के बाद ये रेडी हो जाएगा हमें अपने कस्टर्ड में ऐड करने के लिए। मीनवाइल हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है, तो हम उसमें सभी कुछ ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, मैंने जेली कस्टर्ड में ऐड कर दिया है और अब मैं सारे फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। तो फ्रूट्स आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कीवी, बनाना, एप्पल और ग्रेप्स लिए हैं। आप कोई भी अपनी चॉइस के फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या जो भी अवेलेबल हो वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कस्टर्ड को, फ्रूट्स को, सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप देख सकते हैं मेरी इधर मैंने एक मैंगो भी चॉप करके डाल दिया है, तो क्योंकि मैंगो का सीज़न चल रहा है इसलिए मैंगो भी मैंने ऐड कर रहा है। आपने देखा होगा कि ये मैंने बहुत ही रनी नहीं बनाया है, थोड़ा सा थिक बनाया है, क्योंकि मैं इसको सेट करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने रनी नहीं रखा है कस्टर्ड को। अब करीब मैं 1 घंटे के लिए लगभग इसको फ्रिज में रख दूंगी, थोड़ा सेट हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसमें थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम स्प्रेड करी है, तो व्हिप क्रीम को मैं इवनली उसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ, जैसे मेरा एक बेस बन जाए। अगर व्हिप क्रीम आपके पास नहीं है तो आप घर में मलाई हो, डबल क्रीम हो, उससे व्हिप क्रीम बना सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको शुगर ऐड करना है और उसे अच्छे से व्हिप करना है जब तक आपकी क्वांटिटी जो क्रीम की है वो डबल ना हो जाए। अब देखिए, बेस तैयार है, तो इसे हम अपने हिसाब से फ्रूट से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बनाया है, आप अपनी चॉइस से या बच्चों से भी कह सकते हैं कि वो डेकोरेट कर दे फ्रूट्स को लेकर, उनको भी मज़ा आएगा ये सब करने में। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सभी लोगों को, आप सबको बहुत पसंद आएगा।